चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है पापा। माय नेम इज प्रिंस कुमार, आई रीडिंग क्लास थर्ड। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रिंस कुमार, आई रीडिंग क्लास थर्ड। माई फादर्स नेम इज संजीत कुमार, माई मदर्स नेम इज पूनम देवी। आई हैव थ्री ब्रदर्स, आई लिव इन महुआड़। महीना है सावन का, लेकिन जो मौसम का मिजाज खास करके दक्षिणी बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा जो जिले हैं, उन जिलों में अभी लू चल रहा है, और जहां अभी झमाझम बारिश होनी चाहिए थी, अभी तेज धूप है, तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसी स्थिति में लोग गर्मी से उबे हुए हैं, खास करके बच्चे। आज रविवार है और रविवार को जहाँ बच्चे के लिए समय होता है, लेकिन इस गर्मी और उमस के चलते इन्हें घर में समय काटना मुश्किल हो रहा है। ये विद्यालय को मिस कर रहे हैं। अभी हम हैं राजकीय मध्य विद्यालय महुली के पास, रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ कुछ बच्चे मिले। जब इनसे हम बात किए तो पता चला कि इसी स्कूल में पढ़ते हैं, और आज रविवार है, स्कूल नहीं आए हैं, फिर भी आज स्कूल बंद है, फिर भी स्कूल आए हैं। क्या यही बात ना बाबू, स्कूल को मिस कर रहे हैं ना। तो हम इन बच्चों से आज हम बात करेंगे। बच्चों से बात करने में मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। तो बारी बारी से परिचय पहले ले लें। तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रिंस कुमार। प्रिंस, और किस क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। आप? सुमंत कुमार। सुमंत कुमार, आप भी सिक्स क्लास में? यस सर। और आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? कौशल कुमार। कौशल जी कौन क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स क्लास। सिक्स क्लास में पढ़ रहा, सिक्स क्लास का भारी है। आप? सेवन क्लास में पढ़ते हैं, नाम है रोशन कुमार। रोशन कुमार, देखिए बच्चे सारे के सारे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। यस सर। पढ़ाई वढ़ाई होती है? यस सर। क्या तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई न होता है, सुनते हैं? बहुत अच्छा होता है सर, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। तो अब पढ़ाई में कौन सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मन लगता है पढ़ने में? मैथ। मैथ, इंग्लिश। इंग्लिश और मैथ, इंग्लिश, हिंदी, व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ने में मन लगता है हमको, मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश, चलिए। अब आपको? मैथ और इंग्लिश और विज्ञान। विज्ञान, चलिए। और आपको? हिंदी, इंग्लिश और साइंस, एसएसटी। साइंस और एसएसटी, देखिए तरह तरह के बच्चे हैं और सभी बच्चे को अलग अलग रुचि है। तो आप लोग ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? यस सर। तो आप लोगों को कोई हिंदी किसको बढ़िया लगता है पढ़ने में? हिंदी हमको, हमको हिंदी भी लगता है। यस। कोई कविता बता याद है किताब का? किताब का हाँ, दो चार लाइन बोलो। रहीम का दोहा ही सुनते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष विभापता लपट रहत भुजंग। चंदन विष व्यापत नहीं लटत रहत भुजंग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी नहीं पढ़ा है। इसका मतलब हुआ जो रहीम उत्तम प्रकृति के, जिनका प्रकृति उत्तम है उस पर कोई असर किसी साथ का नहीं पड़ता है। जैसे चंदन में विष नहीं होता है, शीतलता प्रदान करता है, लेकिन जब उसमें भुजंग सांप लिपटा हुआ रहता है, यही मतलब ना हुआ? तो बहुत बढ़िया है। आपका नाम बताए थे? कौशल कुमार। आपके पापा क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? मिस्त्री हैं, घर बनाते हैं। घर बनाते हैं, राज मिस्त्री हैं। और आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा वार्ड सदस्य में हैं। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं। कौन नंबर वार्ड के सदस्य? वार्ड सदस्य हैं, वार्ड नंबर चार। वार्ड नंबर चार के। तब कुछ काम भी करते होंगे ना? हाँ। आपका काम क्या करते हैं? अभी रोड बन रहा है। रोड बनवा रहे हैं अभी। चलिए देखिए, यहाँ सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, कम आय वर्ग के ही बच्चे पढ़ते हैं, किन्हीं के पापा कुछ करते हैं। अरे एक और बच्चा आइए, आप भी आ जाइए, आप भी ज्वाइन कीजिए। और आपको याद आया गाना उना? हाँ। कौन गाना बताइए तो? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है पापा, मेरे पापा। वाह वाह वाह, ताली बजाइए। वाह 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 वाह। और आपको कोई गाना याद है? अच्छा एक बात बताइए कि बड़ा पढ़ के आपको क्या बनना चाहते हैं आप लोग? क्या बनना चाहते हैं?
बनना चाहते हैं। बिजनेस करना चाहते हैं, किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं? अभी जान नहीं रहे हैं, सोचेंगे। बिजनेस करना है पढ़ लिख के। और आपको? पुलिस में सर नौकरी ले। पुलिस में जाना है? यस सर। पुलिस में जाने के लिए तो दौड़ना पड़ेगा। यस सर। और आपको? सर हमको शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है, शिक्षक बन के क्या कीजिएगा? पढ़ाइएगा सबको। यस। और आपको क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। चलिए देखिए, बच्चे के सपने सब आपके अपने अपने हैं। वैसे आपको ये अग्निवीर का नाम सुने हैं? अग्निवीर का नाम नहीं सुने हैं? अग्निवीर का आप नाम सुने हैं? नहीं। अग्निवीर का नाम नहीं सुने हैं? तो बहुत हल्ला हंगामा हुआ था कि अग्निवीर के चलते कुछ। हाँ, सुने थे। सुने थे? हाँ। वो क्या होता है? मन के आर्मी का नौकरी सब 4 साल कर दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और पेंशन 35,000 से 22,000 कर दिया है। अच्छा। और इतना ही जानते हैं। अच्छा, अभी जो देश में जो घटता है घटना, उस सबको जानकारी थोड़ा सा आप लोग रखते हैं स्कूल सर? मिलता है। मिलता है। तो अभी हाल में कुछ हुआ है, कोई बड़ा पद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है? किसका चुनाव हुआ है आज सर? आज नहीं, मतलब अभी फिलहाल, कल पिछले सोमवार को चाहे अभी पिछले एक दो दिनों में हुआ था राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। हाँ। राष्ट्रपति का हुआ था? न्यू प्रेसिडेंट। हाँ, न्यू प्रेसिडेंट। नाम के जानते हैं किनका? हाँ, चुनाव हुआ है? किनका? धर्मेंद्र मौर्य को जीत है। द्रो मुर्मू। आप लोगों को नाम याद है क्या? राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है द्रो मुर्मू। आप? हमको नहीं। आपको पता है? देखिए, नाम याद करने के लिए सबसे हम बढ़िया तरीका बता दे रहे हैं। महाभारत जानते हैं ना? हाँ। उसमें पांडव थे, 5 पांडव थे। अब पांडव, 5 पांडव की एक पत्नी थी, उसका क्या नाम था? नहीं पता है। द्रौपदी नाम सुने हैं? द्रौपदी मुर्मू नाम है जो हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुई महामहिम द्रौपदी मुर्मूर। मुर्मू। अब प्रधानमंत्री कौन है भारत के? नरेंद्र मोदी। आप? नरेंद्र मोदी हैं, सबको जान रहे हैं। यस सर, नरेंद्र मोदी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चलिए देखते होंगे आप, मैं दर्शकों से कहता हूँ कि लोग इस विद्यालय में जाते हैं हमारे तरह के ही मीडिया वाले, और बच्चों से पूछते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, और गड़बड़ होते हैं। और ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ रहता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे को कुछ बुझाता नहीं, टीचर कहीं नहीं बुझाता है। लेकिन देखिए, हमारे साथ हैं सारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी निम्न आय वर्ग के बच्चे हैं, लेकिन इनको जानकारी। हाँ, अंग्रेजी किनको किनको पसंद है? हाँ बोलिए, तो अंग्रेजी में क्या क्या बता सकते हैं? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज प्रिंस कुमार, आई रीडिंग क्लास 3। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय सेल्फ। माय नेम इज प्रिंस कुमार, आई रीडिंग क्लास 3। माय फादर्स नेम इज संजीत कुमार, माय मदर्स नेम इज पूनम देवी। आई हैव 3 brothers। आई लिव इन महुआड़। इतना है। आप अपने पर कोई कौन कौन पर्ची अपना दे सकता है अंग्रेजी में? आप दे सकते हैं? माय नेम इज कौशल कुमार। व्हाट इज योर फादर्स नेम? पिंटू यादव। व्हाट इज योर मदर्स नेम? मनोरमा देवी। बस इतने। चलिए, क्वेश्चन आंसर सब आप साथ में ही बोलते हैं, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आपको अंग्रेजी नहीं सिखाया गया क्या? इसी स्कूल में सिखाया गया है। व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम सुमंत कुमार है। सुमन कुमार है। और अंग्रेजी में क्या क्या बताया जाता है? बहुत कुछ बताते हैं। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? नाउन का डिफिनेशन बता सकते हैं, परिभाषा, नाउन किसे कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, सुनना, अंग्रेजी में ना पता। नाउन जानते हैं? नहीं पता। नाउन आप जानते हैं? सातवां में आप पढ़ते हैं? नाउन इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। तो नाउन को सीधे बोलेंगे नाउन इज नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं।
तो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अच्छा, आप लोग जब बोर होते हैं तो क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं कि खेलने चलाते हैं, क्या करते हैं? टीवी देखते हैं। टीवी में क्या देखते हैं? सारा कार्टून, फिल्म, न्यूज भी देखते हैं, मैच भी देखते हैं। मैच भी देखते हैं, क्रिकेट मैच। हाँ, अच्छा। क्रिकेट में तो भारत का कप्तान कौन है अभी वनडे का? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी, चलिए, आप तो बहुत मतलब आप लोगों को जानकारी पूरा अपडेट रखते हैं। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे जो लोग देख रहे हैं, जो टीवी देखेंगे, उनके लिए आप लोग कुछ करना चाहिएगा? अपने तरफ से कोई संदेश जो पूरे बिहार को आप सुनाना चाहते हैं? नहीं। अच्छा, एक बात और बताइए, बिहार में शराब बंद है ना? नहीं, बंद नहीं है। बिहार में शराब बंद अभी तो पूरा तरह से नहीं बंद हुआ है। अच्छा, अभी तो पीता है आधा। पीता है? हाँ, पीते हैं। मेरे गांव में तो हम तो नहीं देखे हैं। बढ़िया तरीका से नहीं बंद है। अच्छा, तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या क्या कहना चाहिएगा, कैसे इसको लागू किया जाए पूर्ण रूप से? कुछ है मुख्यमंत्री जी से कहिए आप लोग? आप जल्द से जल्द शराब बंद कीजिए, वरना ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा। जल्द से जल्द इसको बंद करवाइए। कैसे बंद हो सकता है? कानून तो बन गया, तैयो शराब मिल जा रहा है, तो कैसे बंद किया जा सकता है? कुछ आप लोग आइडिया दीजिए, मुख्यमंत्री जी को बुझा नहीं रहा है। कुछ है मन में आइडिया? कौन विज्ञान किनको पसंद था, साइंस हो इनको भी पसंद था, कुछ है आइडिया कैसे बंद हो सकता है? कुछ आइडिया नहीं आ रहा है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग इतना तेज विद्यार्थी हैं, जब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि शराबबंदी कैसे बढ़े। हाँ, आप मुख्यमंत्री पहले पुलिस को पहले अथी देंगे तब ना, हिंट देंगे तब ना कि जहाँ हो रहा है शराब बन रहा है वहाँ जाकर धरिए, तब ना होगा ये सब। इसका मतलब है कि पुलिस उनका बढ़िया से काम नहीं कर रहा है। पुलिस को कड़ैया करेंगे तभी ना इधर कड़ैया करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि पुलिस और अधिकारी सब बढ़िया से काम नहीं कर रहे? यस सर। अच्छा, आप लोग गांव में क्या चाहते हैं? कुछ सुविधा है मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहिए कि हम लोग के व्यवस्था क्या चाहिए? मेरे घर में अथी रोड नहीं बना है, पूरा नली में हिल के आना जाना पड़ता है। अच्छा, जल्द से जल्द उसको बनवाएं। कौन सा गांव में? मोहली। मोहली में मैंने सड़क बनवाने का मांग है। सड़क बन, नली भी पूरा नहीं हुआ है। अभी नली नहीं हुआ, आधा तरह जाता है और यहाँ पे पानी बंद कर दिया जाएगा, दूसरे खेत में नहीं जाने दे रहे। पूरा पानी गांव में गिरता है। उधर का बीघा है ना, उधर का बीघा से हम लोगों का बीघा पर सब अथी मट्टी गिरा दिया, नली बंद कर दिया। तो आपके पिताजी तो वार्ड हैं, तो आप बने हैं, तो वो नहीं ठीक करेंगे? बोलते हैं तो सब अथी लाठी तान लेता है। अच्छा, लाठी तान लेता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गाँव में आप लोग स्कूल का सुविधा ठीक है, बिजली भी ठीक है, पानी वानी भी सब है? नल जल सर नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन स्कूल ये सब ठीक हो गया है। अब खाली मांग है कि नली गली बन जाए। नली गली शराब बंद हो जाए। तीन नाम कोची बताएं आप। सुमंत और नाम नहीं, तीन से काम कोची बताएं। नली। हाँ। और रोड। हाँ। और शराब बंद हो जाए। यस सर। देखिए, बच्चों के जो चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री जी अगर आप तक आवाज़ जा रही होगी, तो हमारे जो बच्चे हैं, आपने काम किया है, बच्चे सराहना भी कर रहे हैं हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और हमें जानकारी भी है, और इस मामले में मुख्यमंत्री जी का के को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी से बच्चों का तीन मांग है कि इनके गांव में नली और गली पक्की हो जाए, आने जाने की सुविधा हो जाए, और शराबबंदी थोड़ी और सख्ती से लागू किया जाए, और नल जल योजना का पानी सड़क के बजाय घर तक पहुंचाया जाए। तो बच्चे मन के सच्चे, आज बच्चों के बीच रविवार है, हम लोग बात कर रहे थे। आपको कैसी लग रही है वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभय कुमार, हमारे सहयोगी सुनील बॉबी के साथ, धन्यवाद।